में आपको सुनाते हैं। यूं नहीं बोल सकते क्या? आज के इस, मैं तो इसको वर्कशॉप ही कहूंगा, आपने क्या नाम दिया इसको? कॉन्फ्रेंस। हमारे लिए तो जहां पर भी हम बैठते हैं वर्कशॉप ही होता है एक तरह से। तो इस कार्यशाला में आपसे रूबरू होने पर मुझे बहुत खुशी हुई है, और दूसरी खुशी इस बात की हुई कि ये इंसान भी गजब इंसान है। हर फील्ड में देख लो आप, जगदीश चंद मौजूद मिलेंगे आपको हर फील्ड में। और जिन चीजों को पब्लिसिटी देना है उनको दी जाएगी, जिनको नहीं देना है नहीं दी जाएगी। तो मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये कार्यशाला जो है आज आयोजित की करके जयपुर के जितने भी नामी ग्रामीण डेवलपर्स हैं उनके सामने मुझे बोलने का मौका दिया। भाइयों, मैं 1998 में पहली बार UDH और LHG का मंत्री बना। मैं जयपुर में पढ़ा हूँ मारदास कॉलेज में, और उसके पहले भी मैं 5 साल जयपुर में रहा हूँ क्योंकि मेरे फादर भी मिनिस्टर हुआ करते थे। 4-5 साल मैं इसमें रहा आपके मारदास कॉलेज हॉस्टल में, तो जयपुर को मैंने खूब देखा है। और मेरा ननिहाल भी जयपुर है तो बचपन से ही यहाँ आना जाना रहा। कुल मिलाकर के इस जयपुर में एक आर ओ भी था, एक, और वो भी सिंगल लेन 22 गोदाम का, और एक भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पर नहीं थी। एक चार मंजिल मल्टी स्टोरी लक्ष्मी विलास के बिल्कुल सामने, पता नहीं क्या नाम है उसका, टोंक रोड पे एक तो वो थी, और एक अजमेर पुलिया के नीचे उतरते ही सुखी जीवन नाम की एक बिल्डिंग बनी हुई थी जो 5 मंजिल थी। इसके अलावा एक भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यहाँ नहीं थी। मैंने 3-4 बार मैंने और सिद्धू साहब ने मिलकर के डेवलपर से बात करी, सबसे बात करी कि साहब हमें ये कंसेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हमने स्टिल्ट को माफ़ किया कि स्टिल्ट गिनती में नहीं आएगा। कई कंसेशंस आपको दिए, और आज उसका नतीजा है कि जितने भी ये डेवलपर बैठे हुए सब 98 के बाद की पैदाइश है। सब 98 के बाद की। और अब जब क्रेडिट वाले मुझे बुलाने की कोशिश करते हैं तो मैं हाथ जोड़ता हूं, हमें तो जो देना है वो अपना आप देंगे, जो मदद आपकी करनी है वो अपना आप करेंगे, आपके मांगने से मदद नहीं करेंगे। इसलिए मैं कभी क्रेडाई के फंक्शन में जाता ही नहीं हूं। अभी बुलाया गया था मुझे, तब भी मैंने मना किया, क्योंकि ऐसी जगह पर जाने से कोई मेरे लिए ये उपयोगिता नहीं है कि जहां पर मांग की जावे। जहां पर हमारे काम किए हुए काम अगर आपको पसंद है तो आप अप्रिसिएशन दें तो मुझे बुलाएं, आ जाएंगे। खैर, आज की जो ये कार्यशाला है ये आधारभूत सुविधाओं के संबंध में है। ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है, आधारभूत इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इसको कितना ही कर लो आप ये फिर भी क्योंकि इन सुविधाओं का बड़ा भारी महत्व है, आधारभूत सुविधाओं का। और कोई भी काम इसका कभी खत्म हो ही नहीं सकता। हमने सबसे पहले कोशिश करी कि एक फ्लाईओवर बनाए यहां पर,
गोपालपुरा पर फ्लाईओवर बनाया, 12 महीने का उस वक्त दिया, 11 महीने में कंप्लीट किया। उसकी क्रेडिट जाती है निहालचंद गोयल पे, को लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते रहे, मुझे भी ले जाते रहे और 11 महीने में काम खत्म किया। दूसरा फ्लाईओवर बनाया हमने संगनेर, और आपको ताज्जुब होगा अभी मेट्रो के बाबत सिद्धू साहब ने सारी बातें बता दी। जब मेट्रो के लिए कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज के एक फंक्शन में श्रीधरन साहब गए, मेरा भी टाइम तय है क्या? टाइम तय हो तो उसी हिसाब से चलूं। श्रीधरन साहब जो है वहां पर यूनिवर्सिटी बन गई होगी, ध्यान नहीं मुझे, उसके फंक्शन में गए थे और वहां पर उन्होंने कहा कि जयपुर एक ऐसी सिटी है जहां पर कि मेट्रो होना चाहिए। वो कहीं अखबार में मुख्यमंत्री जी ने पढ़ लिया, पढ़ करके एक रोज डिस्कशन किया कि यार ये मेट्रो के लिए श्रीधरन ने कहा कि साहब जयपुर, तो मैंने कहा साहब जयपुर में आप इजाज़त दें तो काम करें, कि यार करो इस पर करो काम। चालू किया काम, मुख्यमंत्री जी का पूरा सपोर्ट मिला क्योंकि उनके विज़न को मैं समझता हूँ। वो एक या लाइन दो लाइन से ज़्यादा नहीं बोलते, वो विज़न को कोई पूरा डिस्क्राइब नहीं करते कि ऐसा करना है। इशारा दे दिया कि मेट्रो आनी चाहिए। सिद्धू साहब, हम और सब रात दिन लगे रहे और वो मेट्रो आके खड़ी हो गई, और टाइम के अंदर अंदर खड़ी हो गई। आप ही बताइए, हमने ही शुरू की और हमने ही खत्म की। और एक दिन के लिए भी वो मेट्रो जो है कभी खराब होकर के पड़ी नहीं रही, एक दिन के लिए भी। ये अलग बात है तो सवारियां पूरी मिलती हैं कि नहीं मिलती, राइडरशिप जो है धीरे धीरे बढ़ती है। तो कई आयाम जब भी हम सत्ता में आए हमने कई आयाम दिए, कई ROBs बनाए, कई RUBs बनाए, कई जो है आपके क्या नाम है मेट्रो के अलावा पार्क्स बनाए, सौंदर्यीकरण के कई काम किए। सेंट्रल पार्क तो है ही आपके सामने, लेकिन अभी मानसरोवर में जो बन रहा है उसको देखिएगा, किशनबाग तैयार हो चुका, एक सिल्वर पार्क जो है वो आपके आगरा रोड पे वो बनने जा रहा है। तो जितने भी आधारभूत ढांचे के काम जो मुख्य काम थे उनको सबको हमने आफत में लिया। दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या लिया, इसको कंपेयर करिए, कितने फ्लाईओवर बनाए, कितने अधूरे छोड़ दिए। हमने एक काम जो हमने शुरू किया उसको कभी अधूरा नहीं छोड़ा, एक काम। कोई भी सज्जन खड़ा होकर के बता दे कि साहब आपके टाइम पे वो काम चालू हुआ था और आपके टाइम पे वो खत्म नहीं हुआ, लेकिन वो जब भी आते हैं सत्ता में मेरे भाई, तो कुछ न कुछ ऐसा छोड़ के जाते हैं जो गलत सलत डिजाइन के, उसको सुधारने में ही बरसों लग जाते हैं। अभी तो एग्जाम्पल है आपका, ये देख लीजिए, अम्बेडकर सर्किल से लेकर के सोडाला तक का हमने मेट्रो बनाया। मेट्रो जब बनने लगी तो मेट्रो का जो सेकंड मैन था श्रीधरन साहब के बाद में, मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार हमारा एक सपना था कि अजमेर रोड पे एक दो एलिवेटेड रोड बन जाए आने और जाने की, तो मज़ा आ जाए। उन्होंने कहा कितना पैसा दोगे? मैंने कहा पैसा वैसा नहीं देंगे यार, गलत बात, मेट्रो के खर्चे में डाल दो इसे। और वो दोनों एलिवेटेड रोड मेट्रो के द्वारा फ्री में बना दी गई। और कितनी बड़ी सुविधा आज मिली है। तो ऐसे हमने कई जितनी भी आपके क्या नाम है ये थी नीतियां थी, उन नीतियां बनाई। टाउनशिप पॉलिसी, सिद्धू साहब ने अफोर्डेबल हाउस बनाया, अफोर्डेबल हाउस की पॉलिसी बनाई। इसके साथ साथ ये आपके क्या नाम है ये बिल्डिंग बायलास मास्टर प्लान ले लो ना आप। मास्टर प्लान कितने से शहरों में था 98 के पहले, आज छोटे से छोटे शहर का भी मास्टर प्लान तैयार है। जोनल प्लान का आदेश दे दिया,
हाई कोर्ट ने, सबके जोनल प्लान तैयार हैं, सेक्टर प्लान तैयार है। पहली बार पूरे राजस्थान के शहरों का मास्टर प्लान तैयार किया गया, पिछली गवर्नमेंट के टाइम ये कर दिया हमने, इस बार तो जोनल प्लान और सेक्टर प्लान बने। और यही नहीं, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, चाहे वो अमृत योजना हो, चाहे आपका स्मार्ट सिटी हो, स्मार्ट सिटी में तो हम नंबर वन आए, ये चेयरमैन है उसके, पूरे देश में जो है वो नंबर वन आया है, और वो नंबर वन हमारा बना रहेगा आखिर तक, जब तक आखिरी रैंकिंग होगी ना, जब तक भी नंबर एक बना रहेगा। इसी तरीके से दूसरी आपका हाउसिंग फॉर ऑल है, उनको भी बड़ी सफलता के साथ क्रियान्वित करने की कोशिश की जा रही है। बरसों से चल रही, आप ये देखिए 99 का तो, 17-6-99 का तो किस्सा आपने बता दिया। 17-6-99 में ही हमने ये घोषणा कर दी थी कि भाई गृह निर्माण सहकारी समिति की नाम की अब कोई चीज़ नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य ऐसा है कि चलती रही। अनेकों शिकायतें मिलती हैं, हमने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट खत्म कर दिया वहां से, JDA से, और अब इन पर किस प्रकार से शिकंजा कसा जाए उसका, उस पर विचार चल रहा है। आओ, 100 आदमियों की कोऑपरेटिव सोसाइटी तुमने बना रखी है, 25 बीघा 40 बीघा जितनी बड़ी ज़मीन है आपकी, 50 बीघा 60 बीघा 100 में बांटो, उसकी प्लॉटिंग करो, 90A करवाओ, लेआउट प्लान पास करवाओ, पट्टा लो, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन चाहे कभी किसी का नाम काट दें, कभी डबल पट्टा बांट दें, कभी ये दे दें, कभी वो कर दें, इस तरीके के फर्जी खेल आज भी चल रहे हैं। अब इन पर कंट्रोल करेंगे और सख्ती के साथ कंट्रोल करेंगे, सख्ती के साथ। इसी तरीके से आप पृथ्वीराज नगर देख लो, आप कितना बेहतरीन शहर बन सकता था पृथ्वीराज नगर, कितना बेहतरीन शहर बन सकता था, ये दुर्भाग्य कि बन नहीं पाया। अब हमने जो है उस पर हाथ लगाया, 200 फुट की रोड है, 100 फुट की रोड है, वगैरह वगैरह वगैरह, सिवरेज है, सारा डेवलपमेंट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो पिछला शासन था उसमें उन्होंने पट्टे तो बांटे, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर एक पैसा खर्च नहीं किया, न एक इंच सड़क बनाई, न सिवरेज, न कुछ और, कुछ नहीं। लेकिन अब उसके साथ साथ हम सारा डेवलपमेंट भी हाथ में लिया है। मोटे तौर पर मुख्यमंत्री जी के मन में ये था, ये कुल मिलाकर 10 मिनट की बात है मेरे और उनके बीच की, उन्होंने कहा यार ये पिछली बार जब अपन ने 12 और 13 में ये प्रशासन शहर के संघ चलाया था, इसका क्या राह था। मैं तो सब मालूम है आपको क्या राह था, जो 5 लाख पट्टे बांटे थे, कहाँ जो 5 लाख बढ़ गए थे, मैंने कहा बढ़ गए थे। तो ये जो बिंदु तुम बता रहे हो कि अब कैसे अभियान में इन बिंदुओं पर भी काम होगा, जनता को लाभ दिया जाएगा, तो फिर इस हिसाब से तो पट्टे बहुत बढ़ जाएंगे। मेरा आप बता दो क्या लक्ष्य रखे, 10 लाख मेरा मंजूर, डन, 10 लाख रखे। अब हम इनसे बात करते हैं, ये हमारे जितने भी इमारती बैठे हुए हैं, ये DC साहब, देता साहब, सिद्धू साहब तो खैर बरसों से चल रहे आ रहे हैं, इससे उनकी मेहनत है, और चाहे आपका कुंजीलाल जी हों, पवन जी हों, या आपके DLB साहब हों, विजय वर्गी जी हों, सचेती साहब हों, वगैरह वगैरह, इन सब की मेहनत से मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी हम 4 रोज के लिए बाहर चले गए थे, वहीं जाके काम किया, इन सब की मेहनत से ये लगता है मुझे कि हम 10 लाख के टारगेट को भी से भी आगे बढ़ जाएंगे, 10 लाख से भी आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि आज मैं जिन लोगों के सामने बोल रहा हूं उनका इस अभियान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसमें हमने ये प्रोविजन जरूर रखा है
कि या तो सरकार के द्वारा बनी हुई योजनाएं और या सरकार के द्वारा स्वीकृत योजनाओं उनमें इन्वेस्ट करो, ये पब्लिक को आह्वान किया था, उसमें आपको फायदा मिलेगा। वाम तो आपकी वकालत कर रहे हैं, फेमस एडवोकेट ओरा साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, वकालत हम कर रहे हैं इनकी, क्योंकि आप जो भी डेवलप करते हो कम से कम उसके लिए सारी स्वीकृतियां तो लेते हो ना। हम यही कह रहे हैं कि या तो सरकार के द्वारा बनाई गई योजना और या सरकार से स्वीकृत योजना, उसमें इन्वेस्ट करोगे तभी जाकर के बच पाओगे, वरना बच नहीं पाओगे। तो पब्लिक को हम तो उसके लिए एक तरह से जो है जैसा अभी जेडीसी ने भी बताया और उन्होंने भी बताया कि पहले दिन ही हम जो है 1 लाख का टारगेट बनाया है, अब 70 होते हैं, 80 होते हैं, 90 होते हैं अलग बात है, तो टारगेट तो लेके ही चलना पड़ता है कि पट्टे हम पहले दिन बांट लेंगे। और यही नहीं, कॉलोनी के पट्टे तो हम देते आए हैं, लेकिन शहर की चार दीवारी और आबादी क्षेत्र में पहली बार अभियान के रूप में 69A जो एक धारा है म्युनिसिपल एक्ट की, उसके तहत में पट्टा मिलेगा। कुंजीलाल जी ने भी 69A के लिए बोला, पर वो बोल गए कि 100 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल मतलब महाराजा जय सिंह से भी आगे चले गए। जो जहां बैठा हुआ है, जो जहां रहाइश है जिसकी, चाहे ऊपर मकान हो चाहे नीचे दुकान हो, अगर उसके पास कोई ऐसा पट्टा नहीं है तो वो पट्टा सरकार देगी। निर्माण कार्य होना चाहिए और रिहाइश होनी चाहिए, दुकान का शटर बंद नहीं हो, दुकान का शटर खुला हुआ होना चाहिए। पहली बार कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज के बाबत भी जो है उनको पट्टा दिया जाएगा, फर्स्ट टाइम। पिछली बार के अभियान में हमारा ये नहीं था, पिछली बार के अभियान में 69A भी नहीं थी म्युनिसिपल एक्ट में, ये बाद में जुड़ी है। अब इसका लाभ लेने वालों ने तो ले लिया, एक दो आदमियों ने तो, लेकिन हम जनता को देंगे इसका लाभ, आम जनता को देंगे जिसको पट्टा चाहिए। था पट्टा, बाढ़ में घुर गया, फट गया, चोरी हो गया, अब वो कहता है कि साहब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो ये देख लो मकान है, मैं ही रह रहा हूँ, और ये दुकान है, ये भी ये देख लो, देंगे पट्टा। और बहुत नॉमिनल प्राइस पे, ये जितने भी लाभ दे रहे हैं ये इतने कम नॉमिनल प्राइस पे दे रहे हैं कि आपको सुनकर जब ये सारा सब कुछ जो है प्रकाशित हो जाएगा समाचार पत्रों में और चैनल पर, तो आप लोग खुद अचंभित हो जाओगे कि ऐसी भी सरकार हो सकती है क्या कि इतने से दामों के अंदर अंदर जो है मकान का मालिक बनाया जा रहा है, मकान का पट्टा दिया जा रहा है।